Islamophobia. These days, it feels like Islamophobia is a socially acceptable form of bigotry. It's not Islamophobia. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Islamophobia, Islam, या आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत, खौफ या तासुब है, खास तौर पर जब मुसलमानों को दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया जाता है। गैर मुस्लिमों के नज़दीक इस्लामोफोबिया अमूमन मुसलमानों और इस्लामी तहजीब से डर रखने को कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स इसे नस्ल परस्ती की एक शक्ल समझते हैं, जबकि दूसरे इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के दरमियान किसी भी ताल्लुक से इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक मज़हब कोई नस्ल नहीं है। मज़हब इस्लाम बजाते खुद तकरीबन 1450 साल पुराना मज़हब है, जबकि लफ्ज़ इस्लामोफोबिया की तारीख सिर्फ 112 साल पुरानी है, जो पहली मर्तबा फ्रांस के एक मुसन्निफ़ एलेन किलीन की तरफ से 1910 में शाया होने वाले एक थीसिस में इस्तेमाल हुआ था, जिसका उनवान था इस्लाम के खिलाफ मगरबी और ईसाई तहजीब के लोगों में फैला हुआ एक तासुब। मज़हब और इस इस्तलाह में 1300 साल से ज़ायद इतने बड़े फ़र्क के बावजूद क्या वजह है कि आज बहुत से ममालिक में मज़हब इस्लाम को लफ्ज़ इस्लामोफोबिया से पहचाना जाता है? क्या ये मगरबी मीडिया और इनके लीडरों की साजिश है, या फिर ये सब मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी की वजह से हुआ है कि आज जहाँ उनकी पहचान उनका इंसाफ पसंद और कायदे कानून वाला मज़हब होना चाहिए था, वहाँ गैर मुस्लिम इनके मज़हब से नफरत करते हैं और इन्हें दहशतगर्द समझते हैं? मामलात इस कदर संगीन कब और किन वजूहात के बायस हुए? इस्लामोफोबिया की तारीख अगर सही मायनों में देखी जाए तो इसकी वजूहात वाजिया हो जाएंगी। इस्लाम के इब्तदाई दौर में कुरैश मक्का ने मुसलमानों और इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि ये मुसलमान अपने नए मज़हब के साथ हमारे मज़हब को रद्द कर रहे हैं। कुरैश ने मुसलमानों पर एक अलग तहजीब और मुख्तलिफ सकाफत होने का इल्ज़ाम लगाया। एक मुख्तलिफ सकाफत और मुख्तलिफ नस्ल को कबूल ना करने का यही तर्ज अमल आज तक जारी है। आज की इस जदीद और शऊर याफ्ता दुनिया में अकलियतों को बहुत से ममालिक में मज़हब या नस्ल की बुनियाद पर नफरत, जिल्लत और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। रियासती सतह पर ममासलत यानी सिमिलैरिटीज़ की बजाय इख्तलाफात यानी डिफरेंसेस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसमें मुबालगा आरई और झूठ का सहारा लिया जाता है। इसकी वजह से लाशऊरी तौर पर लोगों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होने का एहसास उजागर होता है। इस तरह कुछ कौमें अपने आप को सकाफत की बुनियाद पर दूसरी कौमों से बरतर समझना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बात सकाफत से बढ़कर मज़हब तक आन पहुँचती है। हकीर समझे जाने वाली कौम पसमानदा और तंग नज़र कहलाई जाने लगती है। इस सब का कसूरवार इनके मज़हब को ठहराया जाता है और बिल आखिर उन्हें मज़हब की बुनियाद पर गुस्से और नफरत से देखा जाने लगता है। It's radical Islamic terror. अवाम में झूठा बयानियां फैलाने के बाद रियासत दूसरी तहजीबों के खिलाफ कवानीन पास करती है। ये कवानीन बिल आखिर एक नस्ल को मुत्तहिद करते हैं, क्योंकि वो दूसरी नस्ल की कौमों को मुश्तरका दुश्मन समझने लगते हैं। You're generalizing about Muslims. Not all Muslims are terrorists, as you know. But all most terrorists are Muslims. दुनिया भर के सफेद फार्म बालादस्त यानी वाइट सुप्रीमिस्ट दुनिया की हर दूसरी नस्ल के खिलाफ अपने मंशूर की बुनियाद पर मुत्तहिद हैं। 9/11 के बाद उस वाक्य के लिए मजमूई तौर पर तमाम मुसलमानों को मुल्ज़िम ठहराया जा रहा था। फिलहाल हम इन तफसीलात में नहीं चाहते कि ये किसने किया था। जैसा कि बयानियां मजबूत और रियासती सतह का था, लिहाजा अमेरिका के सफेद फार्म शहरियों ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। अब जरा मगरबी ममालिक में पेश आने वाले कुछ ऐसे जराइम पर नजर डालते हैं जो पिछले 4-5 सालों में सरासर इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर किए गए। एक इमाम मस्जिद और इनके साथी को न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में मस्जिद के करीब एक सड़क पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि ये जुर्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर किया गया।
क्यूबेक सिटी कनाडा की मस्जिद में फायरिंग से 6 नमाजी जा भाग और 5 शदीद जख्मी हुए। कनाडा में ही एक मुसलमान खानदान पर मजहबी इंतहा पसंद नौजवान ने ट्रक चढ़ा दिया और नतीजतन 5 में से 4 लोग मारे गए। 2017 में लंदन के इलाके फिन्सबरी पार्क में नमाज तरावी के बाद मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों पर वैन चढ़ा दी गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जां बहक और कम से कम 9 जख्मी हुए। 2021 में लंदन की ही एक और मस्जिद में मुसलमान नमाजियों पर पत्थर और अंडे फेंके गए। एक 17 साला बरतानवी लड़का मस्जिद में बम धमाके से 10,000 अफराद को कत्ल करना चाहता था। इसे इस वाकये से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 15 मार्च 2019 को नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्दाना हमले में मस्जिद पर लगातार फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 51 लोग मारे गए और 40 जख्मी हुए। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक 30 साला शख्स एक मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, नतीजे में 3 लोग जख्मी हो गए। क्या इन तमाम मारे जाने और जख्मी होने वाले लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान थे? जी, क्योंकि मगरबी ममालिक में मजहबी इंतहा पसंदी और नस्ली तासुब को स्टेट नैरेटिव बना दिया गया है, जिसकी वजह से सफेद फार्म ईसाई लोगों को बाकी तमाम नस्लों और मजाहब पर तरजीह दे दी गई है। इसका सबसे बड़ा निशाना बनने वाला मजहब इस्लाम रहा है। एक खुशाइंद बात यह है कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात के बायस कुछ मगरबी ममालिक के हुक्मरान और उनकी अवाम में मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। इन ममालिक में कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। मुस्लिम फ्रेंड्स हियर इन कनाडा, इन न्यूजीलैंड एंड अराउंड द वर्ल्ड, नो दैट वी मॉर्न विद यू, वी फील योर पेन एंड वी लव यू। अब देखना यह है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक इस्लाम को इस्लामोफोबिया से अलहदा करने में अपना किरदार किस हद तक निभाते हैं।